कैसा लग रहा है तुमको सुबह से? हाँ, बिना स्कूल खाली घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोलो। ऐसे 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 क्या होता है? ऐसे ऐसे हाँ, ये क्या चल रहा है? शुरू हो गया, मत करो, नीचे से कंप्लेन आ जाएगा नीचे से। तो अच्छा लग रहा है तुमको? ऐसा स्कूल नहीं है। क्यों, बहुत अच्छा क्यों लग रहा है? स्कूल छुट्टी है तो भाग क्यों रहे हो? तो कैसा लग रहा है तुमको बिना स्कूल का? स्कूल में तो फ्रेंड्स के साथ खेल सकता है, भाग सकता है, नेचर वॉक करता है, वो सब तो घर पे नहीं होगा। तो खिलौना से अकेला अकेले खेलेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज है वेडनेसडे, 20th ऑफ दिसंबर। एक्चुअली इन लोग का 21st से वेकेशन स्टार्ट होने वाला था, पर पता नहीं क्यों ये लोग एक दिन पहले ही बंद कर दिया। पता नहीं स्कूल वाले भी परेशान हो गए होंगे, इतना बच्चा संभालते समय। तो अभी देखिए मैं सुबह सुबह बालों में तेल लगा रही हूँ। सुबह सुबह नहीं, अभी 10 बज रहा है एंड हम लोग का, मेरा तो ब्रेकफास्ट हो ही गया एंड परव का भी एक राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट हो गया है। एंड आज परव बॉटल में, मैंने इसको दूध पीने नहीं दिया बिकॉज ये बॉटल में अभी भी दूध पीता है एंड वो अनहाइजीनिक है एंड अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आज इसको कप में दूध पी डेयर श्योर पिलाया है एंड साथ में इसने 3 हॉर्लिक्स बिस्किट भी खाया है एंड और एक हॉट डॉग बन था वो भी खाया है। एंड तो अभी का इसको सुबह का एक बार का हो गया ब्रेकफास्ट एंड फिर इसको मैं अभी एक बॉयल्ड एग दूंगी एंड दो ब्रेड और दे दूंगी, बटर ब्रेड, बस हो जाएगा फिर इसका ब्रेकफास्ट खत्म। तो अभी बस सोच रही हूँ कि क्या करें क्या करें, क्योंकि विंटर वेकेशन स्टार्ट होता है ना तो हमेशा ना घूमने फिरने का प्लान बनाने का मन करता है, पर इतना ज्यादा घूमना फिरना एक्चुअली बच्चा लेके अकेले अकेले पॉसिबल नहीं है। दो एक काम का चीज मेरा पेंडिंग है, वो सब का सोचना पड़ेगा क्या करूंगी। एंड बाकी तो विंटर ब्लॉग्स में आप लोग देखेंगे ही कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, घूमेंगे, ज़्यादा महंगा वाला जगह नहीं जाएंगे, बट इधर उधर तो थोड़ा बहुत रोमिंग हम लोग कर ही सकते हैं बिकॉज दिन भर का मैं और प्रणव अगर घर में बैठेंगे ना तो हम लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एंड इसको भी डांट पड़ेगी क्योंकि दिन भर मुझे परेशान करेगा तो मैं भी फिर इरिटेट हो जाऊंगी। तो बस अभी आज वेदर काफी सनी है, बहुत अच्छा लगता है एंड वैसे भी विंटर में धूप तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी देखिए सुबह सुबह हम लोग बालों में ऑयलिंग कर रहे हैं बिकॉज बाल बहुत गंदे हो गए हैं मेरे, तो मैं थोड़ा सा बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ एंड अभी मैं पनव को भी तेल लगा दूंगी बालों में। ऐसे भी इसका बाल बड़ा हो गया है, आंखों तक आ रहा है, तो देखती हूँ तेल लगाने से थोड़ा सा बाल पीछे की तरफ चला जाएगा। The halls with boughs of holly, fa la 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 la. मैंने टीशर्ट पर तो देखा, हाथ उठाओ एक बार। हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो मम्मा, हेलो मम्मा। हाय फ्रेंड्स, अभी बज गया दिन का 2 एंड मैंने और प्रणव ने नहा लिया है, पूजा भी कर लिया है। ये देखिए अंगड़ाइया लिए जा रहा है, स्कूल नहीं है ना फिर भी हम लोग थक गए, अंगड़ाई ले रहे हैं। तो आज हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया है थोड़ा बहुत, एंड बाहर का ही खाएंगे। शाम को, शाम के लिए मैं सब्जी बनाने वाली हूँ एंड रोटी तो मासी बनाएगी। कल से ना रात का सब्जी मैं ही बना रही हूँ एंड देखते हैं अभी खाना कितना देर में आएगा, बहुत ही भूख लग गई है ज़बरदस्त। एंड सुबह से बहुत काम था घर में, एडिटिंग वगैरह भी करना था एंड ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना था एंड बार बार प्रणव को नहलाना, बार बार नहलाना नहीं मतलब बार बार इसका मम्मी ये वो ये वो ये सब तो चलता ही रहता है। तो मैंने सोचा ठीक है अभी ये वाला भी एक नया रूटीन सेट हो गया है, घर पे रहने वाला बच्चे का विंटर रूटीन, तो इसके ऊपर भी व्लॉग बनेगा। तो अभी का ये जो रूटीन है इसमें सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर जब स्कूल जाएगा तो स्कूल वाले रूटीन में सेट हो जाएंगे। यही होता है मम्मी लोग का, एक बार ये रूटीन में सेट करो एक बार ये रूटीन में, मतलब ये देखिए ये छुपने का क्या है, आई मीन ये
इतने दिनों से, इतने सालों से मैं ब्लॉक कर रही हूँ, तो छुपने का कुछ नहीं है, शक्ल दिखा दो अपना। और जो भी तुम बदमाशी करते हो ना, सबको दिखता है ना, आप लोग तो देखते ही है ये क्या बदमाशी करता है नहीं करता है। कौन सा बदमाशी करता हूँ आप बताओ खुद से कि आप कौन सा बदमाशी ज्यादा करते हो? मैं नहीं जानता, आप बोलिए। आप मेरा बात नहीं सुनते हो, वो तो बहुत बड़ा बदमाशी है। मम्मी का बात तो सुनना चाहिए, है ना, सुनना चाहिए ना। देखो मम्मी आज आपके लिए बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया है ना। पिज्जा ऑर्डर? हाँ, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली मैं फ्राइड राइस ऑर्डर करने वाली थी, राइस कोई टाइप का, बिकॉज पिज्जा मुझे अच्छा है, पिज्जा में पेट भरता है, बहुत लोग खाते हैं, बट मैं फ्राइड राइस ऑर्डर करने वाली थी, बट इसने बोला कि नहीं मुझे पिज्जा खाना है, तो ठीक है मैंने इसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया, मेरे लिए राइस ऑर्डर कर दिया। अगर इसका मन होगा तो मेरे से राइस भी खा सकता है। ये देखिए पनव का पिज्जा आ चुका है, पर पनव स्टार्ट नहीं कर रहा है। क्यों पनव, तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो? पनव ने बोला उसे मेरे साथ खाना है। तो अभी मैं इसके बदमाशी के बारे में बोल रही थी, पर ये देखिए इसमें अच्छाई भी है, इसने बोला है कि इसको मेरे साथ खाना है, मतलब जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आएगा ये अपना खाना स्टार्ट नहीं करेगा, तो अच्छा है, अच्छा बच्चा बन गया है ना। हाँ। तो पनव और मैं साथ में ही खाना खाएंगे, तो एक बार मेरा आ जाएगा तो इसके बाद ही ये स्टार्ट करेगा। अब अच्छा बच्चा लग भी रहा है और बन भी गया, पता नहीं कितना देर ऐसा बरकरार रहेगा। ये तो बहुत गर्म है। क्या गर्म है ये? जब भी मैं निकालूंगा तब मैं गर्म है, इसलिए नहीं खा रहा है कि मम्मा का खाना नहीं आया। जब तुम्हारा खाना आएगा तभी मैं खाऊंगा। जब मेरा खाना आएगा तब ये खाएगा, मतलब एक तीर से दो शिकार, तब इसका खाना ठंडा भी हो जाएगा एंड ये मेरे साथ भी खाना खा लेगा, है ना। क्या बोला फिर से बोल? ये तो लीची फ्लेक्स है। ये भगवान, लीची फ्लेक्स नहीं, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। हाँ तो चिली फ्लेक्स आपको नहीं खाना है तो आप मत खाना। ये बैग उधर साइड कर दो बेटा, साइड कर दे। हाँ तो देखो ऑरिगेनो दिया नहीं है तो फ्रिज से निकाल लो, फ्रिज में है तो ऑरिगेनो देख लो, यम्मी पिज्जा है ना। और ये क्या है? बहुत जगह पर ऑरिगेनो देता है एंड बहुत जगह पर, यहाँ पर देखिए बहुत जगह पर इटालियन सीजनिंग देता है। एंड ये है पनव का पिज्जा, काफी यम्मी है। ये मैंने ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा चीज वाला ऑर्डर किया है, पैन पिज्जा, तो ये बहुत यम्मी लगने वाला है आपको। हैप्पी? एंड अभी मैं करा रही हूँ पनव को हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज इसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका स्क्रीन टाइम कम कराना है, बिकॉज वेकेशन इज नॉट अबाउट स्क्रीन टाइम। ये बहुत ज्यादा फोन और टीवी देख रहा है, तो मैंने इसको बोला कि अभी इसका चाय नाश्ता भी हो चुका है, अभी वे सब किचन में रखने ही जाने वाली थी, तो मैंने बोला चलो फटाफट थोड़ा सा पढ़ाई कर लो एंड इसके बाद मैं जाऊंगी रात का सब्जी बनाने। अभी मैं जाऊंगी रात का सब्जी बनाने, तो आलू मैंने ऑलरेडी काट के रख दिया है एंड आलू की हल्की सी सब्जी बना लूंगी, मतलब हल्का स्पाइस वाला, बिकॉज आज दिन में हम लोग का बाहर का खाना हुआ था, तो रात का सब्जी मैं थोड़ा सा एकदम लेस स्पाइसी बनाने वाली हूँ। उधर से ना लाइट का पोजीशन ठीक नहीं आता, यहाँ पर जब लाइट चेहरे में आता है ना तभी वीडियोस मतलब अच्छे बनते हैं। और वैसे भी मेरा फोन का हालत भी काफी खराब ही है, पता नहीं कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है चैनल से, वरना मैं एक अच्छा फोन लेती, क्योंकि वीडियोस का क्वालिटी मुझे अच्छा करना है, अच्छा वीडियोस बनाना है, ऐसे ना कि के उल्टा पुल्टा क्वालिटी का वीडियो नहीं बनाना है। एंड देखते हैं, सब भगवान भरोसे है। एंड ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो गया है, ऊपर काम चल रहा है, अभी बज रहा है रात का 7:30, तो काम अभी तक चल ही रहा है, पता नहीं आज कितना देर काम चलेगा। रात का सब्जी एंड इस तरह से होता है मेरा आज का दिन खत्म। एंड इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करूँगी, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। थैंक यू।